जनपद बहराइच में श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल नानपारा में मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने आग से बचाव के लिए किसानों व चीनी मिल कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग व करवाया मॉक ड्रिल। मैं प्रदीप त्रिपाठी चीनी मिल नानपारा में प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। देखिए, जैसा कि आज अग्निशमन विभाग द्वारा बहराइच के अग्निशमन विभाग द्वारा हमारी फैक्ट्री में आकर के एक मॉक ड्रिल का प्रोग्राम रखा गया है और उसकी अध्यक्षता हमारे CFO साहब ने करी है और उन्होंने हमारे यहाँ सभी वर्कर एवं जो किसान भाई गन्ना लेके आते हैं उनके एवं अधिकारियों के बीच में जो अपने मूल्यवान विचारों से अवगत कराया है उसमें आग लगने से लेकर के आग को शांत करने तक का पूर्ण विवरण उन्होंने समझाया, जिसका बहुत अच्छा लाभ चीनी मिल को मिलेगा। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, अग्निशमन के यंत्र हमारे चीनी मिल में पहले से ही काफ़ी स्थापित हैं और हमारे सिक्योरिटी विभाग के लोग कुछ लोग ट्रेंड भी हैं, जिसमें कभी यदि ऐसी कोई स्थिति आती भी है तो हम लोगों का पूरा प्रयास पूर्व में ही ये रहता है कि इस आग को बुझा लिया जाए। साथ ही हम तत्काल 100 नंबर डायल करके फायर विभाग को तत्काल बुलाने की प्रक्रिया करते हैं और कोशिश हमारी ये रहती कि उसके पूर्व भी हम लोग उसको बुझाएं और बाकी जो अगर नहीं है काबू में आता है तो 100 फायर विभाग आकर के उसमें हमारी सहायता करता है, मदद करता है और उसको हम लोग बहुत जल्दी काबू पा भी लेते हैं। जैसा कि अभी CFO साहब ने आपके यहाँ ट्रेनिंग मॉक ड्रिल कराया है, ट्रेनिंग दी है, तो क्या कुछ कितना आप लोगों ने सीखा है यहाँ से? आज CFO साहब द्वारा दी गई जानकारी में सर्वप्रथम बिंदु यही था कि पहले तो हम लोग आग को प्रिवेंट करें, उसका प्रिवेंट रखें जिससे आग लगने ही न पाए, जिसमें मुख्य कारण ज्यादातर यही देखा गया है कि बीड़ी या सिगरेट इस तरह की चीजों से ही आग ज्यादा हमारे चीनी मिल में बगास में ही मुख्यतः आग लगने की बार बार घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं और उसका मुख्य कारण भी ज्यादातर रहता है उधर कोई भी वर्कर गया उसने बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर जलती हुई डाल दी तो उससे आग लगती है। तो इसके लिए काफ़ी फोकस किया गया है कि हम लोग अलर्ट रहें कि किसी भी चीज ऐसी चीज का फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल ना करें जो ज्वलनशील हो, स्वयं अपने आप में चैतन्य रहें, दूसरों को भी प्रेरित करते रहें कि हर चीज पे निगाह रहे कहीं कहीं भी आपकी दुर्घटना बिजली के तार से या आपके बीड़ी सिगरेट इत्यादि से या चिंगारी वाले की जो निकलती है चिंगारी उनसे किसी भी तरह की यदि उसको देखता है तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, जो जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोग ने अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल में जो अग्निशमन सप्ताह मनाया है इसी के क्रम में हमने आज जो श्रावस्ती शुगर मिल जो नानपारा में स्थित है यहाँ पर मैनेजमेंट से हमने जो मैनेजमेंट के सहयोग से आज यहाँ के कर्मचारियों को और जो किसान भाई है जो यहाँ पर गन्ना लेके आते हैं उनके बीच में एक अग्नि दुर्घटना से रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तृत से चर्चा की है और इसके अतिरिक्त उनको अग्नि कांड ना हो इसके क्या क्या बचाव करने चाहिए और अग्नि कांड हो जाए तो उसमें किस तरीके से प्रभावी ढंग से उसे निपटा जाए इसके बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई है। हमारे जैसा कि सर देखने में आ रहा लगातार इस समय आग का टाइम चल रहा है, लगातार आगे लग रही हैं, तो क्या कुछ लोगों को बचाव करने चाहिए, किस तरह से आग पर नियंत्रण करना चाहिए? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो हमारा बहराइच जनपद है ये जो वन बहुल क्षेत्र है तो आजकल जो हमारे ग्रामीण इलाकों की फायर हमारे यहाँ पास ज्यादा आजकल रजिस्टर्ड हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि अभी जो खेतों में गेहूं की फसल जो है पूरी तरह से पक चुकी है और गेहूं की फसल पकने की वजह से ईंधन जो अग्नि कांडों में जो ईंधन जो है आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो उसके लिए हम लोग यही मतलब अपने जागरूकता कार्यक्रम बता रहे हैं और आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि एक तो किसान भाई जो है उनकी अगर फसल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी फसलों को संरक्षित करके सुरक्षित ढंग से मतलब वहां से कर लें जितनी जल्दी हो सके अपना
जो भी उसकी गुड़ाई या करनी होती है। उसके अलावा जब जब तक फसल है या उसके इसमें जो है अग्निकांड की जो घटनाएं हो रही है, एक तो कुछ लोग जो धूम्रपान करते हुए बीड़ी फेंक देते हैं, इससे हो रही है। नंबर दो, जो तार वगैरह गए हुए हैं, विद्युत के तार गए हैं, उनकी चिंगारियों से भी उत्पन्न हो रही है। तीसरा जो मेन कारण है, जो हमारे घरों में जो जो चूल्हे पे जो खाना बन रहा है।